सागर जिले के राहतगढ़ क्षेत्र में बन रहे मड़िया डैम के पास स्थित एक गड्ढे में गिरने से फॉरेस्ट गार्ड घायल हो गए हैं। उन्हें कमर में गंभीर चोट आने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीना बांध परियोजना के तहत मड़िया डैम बनाया जा रहा है, जिसके चलते वन विभाग पेड़ों की कटाई कर रहा है, जहां पर वन विभाग के अमले की भी तैनाती रहती है और रोज की तरह पेड़ों की कटाई चल रही थी। जहां फॉरेस्ट गार्ड गब्बर सिंह ड्यूटी पर थे, पास में डैम का ब्लास्टिंग का काम और पेड़ों की कटिंग का काम भी चल रहा था। इसी दौरान एक पेड़ कटकर नीचे गिरा। पेड़ और ब्लास्टिंग से बचने के लिए फॉरेस्ट गार्ड दूसरी तरफ भागा, जहां वो तकरीबन 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिस वजह से उन्हें चोट लग गई। तत्काल वन विभाग के अधिकारी घायल गार्ड को राहतगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें सागर भेज दिया है। इस मामले में डिप्टी रेंजर लखन सिंह ठाकुर ने जानकारी दी। हम लोग बीना परियोजना के अंतर्गत कार्य करा रहे हैं, डैम बन रहा है मड़िया डैम, उसमें ब्लास्टिंग हो रही थी एक साइड जहाँ हम लोग काम लगाए थे, तो वो लोग बोले भैया यहाँ से चले जाओ सर आप लोग, और जहाँ यहाँ हो रही ब्लास्टिंग उस साइड चले जाओ। तो हम लोग उस साइड गए, उस साइड से पेड़ कट रहे थे, पेड़ गिरने की आवाज आ गई थी कटते समय, तो ये घबरा गया गड्ढे में। क्या नाम है इनका? गब्बर सिंह। तो कितनी गहराई होगी लगभग? लगभग 30-35 फुट होगी। तो चोटें कहाँ आई उसको? चोट ने कमर में आई सर, मुंडी को धमास लगते हैं। इसकी जानकारी अपने अधिकारी को दी क्या? हाँ रेंजर साहब को बोला सर, तो बाहर आप लोग ऑन ड्यूटी थे ना? जी। कितने व्यक्तियों की ड्यूटी है डिपार्टमेंट वालों की? 4 जन 5 जन। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सागर टीवी न्यूज़।